ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। सो यो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये डे फोर ऑफ ट्रैवलिंग। तो हम लोग जैसा कि कल रात को आपको दिखाया था, हम लोग शिमला आ गए। और कल रात को यहाँ मैंने आपको मेरा रूम टूर दे दिया था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से व्यू। भाई कसम से क्या व्यू है यहाँ से नीचे, वहाँ पर पूरा चाय वगैरह पीने के लिए। और इधर से आप देख सकते हैं क्या ही व्यू है भाई, गजब से। तो अभी हमारा टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट का, अभी हम लोग जाएंगे शिमला सिटी घूमने। तो अभी आपको घूम ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आए ब्रेकफास्ट करने। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है लीची जूस विथ टू टोस्ट एंड बटर, और साथ में कॉर्नफ्लेक्स। इनने लिया है पोहा विद सम स्प्राउट्स, और इनने लिया फिर पोहा, और इसने लिया है लीची जूस स्प्राउट्स और ओट्स। कैसा है? अच्छा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और आज हम घूमने जाते हैं। तो दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैंने एक बहुत ही अच्छी सी चीज स्पॉट की है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक कैफे बहुत ही अच्छा है, ऐसे बंद है पर भाई इसका व्यू क्या ही व्यू है भाई, गजब। बहुत सही व्यू है इसका दोस्तों। अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अभी हम लोग जाएंगे घूमने और आपको दिखाएंगे किधर किधर जाएंगे। यहाँ पर देखो कैफे करके लिखा है, जाएंगे देखेंगे किधर किधर घूमेंगे। ऑलराइट दोस्तों, पहुंच गए हैं हम लोग कुर्सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हॉर्स ही हॉर्स है कम्प्लीटली। यहाँ पर सिर्फ हॉर्स ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अभी एक्टिविटीज हमने लिया है पैकेज, हम जाएंगे पूरा ऊपर तक थिएट, लाइक ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ऊपर जाना है अपने को। 5 किलोमीटर जाके पूरा एडवेंचर है वो आपको दिखाएंगे, हॉर्स राइडिंग में बैठे के वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कुफरी, और यहाँ पर हम लोग एडवेंचर स्पॉट जा रहे हैं, और मैंने ग्लव्स खरीद लिए क्योंकि ज्यादा ठंड है। और यहाँ पर 2000 घोड़े है, 2000 मतलब समझ सकते हो कितने घोड़े हैं। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे एडवेंचर की जगह, वो भी आपको दिखाएंगे। ये कुफरी है पूरा, अभी हम लोग घोड़े में जाएंगे जब ये आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये है हमारी हॉर्स, ये है हीनल, इसको बहुत डर लग रहा है पता नहीं क्यों। ये हमारी हॉर्स जा रही है हम लोग, यहाँ पर डैडी मम्मी, ये मेरी हॉर्स यहाँ पर चल रही है। चल मोती, मोती कम ऑन, चलो। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, सब इतने घोड़े एक साथ जाते हैं ऊपर। ये मेरी घोड़ी है, अभी ऊपर जाके आपको मिलते हैं। मैं उतार रहा हूँ, तो हमारा हॉर्स राइडिंग यही समाप्त होता है। ये था मेरा घोड़ा, अच्छा घोड़ा था। ये मेरे घोड़े थे, लोग खिंचाने जा रहे थे फोटो याक के पास। याक चलेगा अभी, एडवेंचर में वो फोन करने का बोला था वो। अरे मैं खुद कर लूंगा, क्यों टेंशन ले रहे आप, वो भी घूम चलो। उन्होंने बोला था कि फोन कर देना। यहाँ के भैया हमारे पास फोटो खिंचाएगी, कोई फर्क। तो अभी हम लोग याक राइडिंग और रैबिट का करके आ गए, अभी हम जा रहे हैं आगे एडवेंचर करने। मार्केट है ये कुफरी मार्केट है, बहुत सही मार्केट है, पूरा कुफरी मार्केट है ये, दिख रहा है। बहुत अच्छा मार्केट है, आपको सब मिल जाता है। ये तो
फास्ट। अभी आपको बर्फीले पहाड़ दिखा दो, दिख रहा नहीं होगा पर वो दूर, वापस जूम करके दिखा देते हैं। उधर है बर्फीले पहाड़, ठंड भी से बहुत है, मजा आ रहा है। अब जा रहे एडवेंचर करने और शूज की तो हालत खराब हो गई है, पूरे गंदे हो गए। ये कुर्फी फन वर्ल्ड आ गए, बहुत सही जगह है वैसे ही, ठंड बहुत है, इसके लिए माफ करना थोड़ा बोलने समय से सांस फूलती है, क्योंकि सोचा था, हाँ मैंने बताया जितना सोचा था उससे ज्यादा ही ठंड है, फुट फट रहे दोस्तों। चलो भी नहीं, चलो ट्रैकिंग है ये पूरी, चलो नहीं जाता। ये है कुर्फी फन वर्ल्ड, ये है वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट गो कार्टिंग, ये है वर्ल्ड हाईएस्ट गो कार्टिंग यहाँ पर होता है। रोड बहुत अच्छे है ऐसे यहाँ के, ये नजारा ट्रैकिंग, हिमाचल, दिस इज कॉल्ड हिमाचल गाइस, देख सकते हैं बहुत सही लग रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, चलने को नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा ग्लव्स मिल गए वैसे सही है। अभी हम लोग आए हैं एप्पल गार्डन, फर्स्ट एडवेंचर है यहाँ पर, देख सकते हैं वेलकम टू एप्पल गार्डन एन एडवेंचर गेम, ये वर्ल्ड साइज गो कार्टिंग जो अभी किया है पर वीडियो लड़ सकते हैं। फ्रेश एप्पल चाट 30 रुपीज ओनली, बहुत सही एप्पल है यहाँ पे, कितना है क्या कर कट करके देते हो, कितने का है और वो क्या हो रहा है, जा वीडियो वीडियो लोड है भैया, अंदर बाद में आएंगे इधर। अच्छा अभी हम लोग ट्रैक करते करते बहुत दूर आ गए और यहाँ पर आते आते पहले एडवेंचर करेंगे, जिपलाइन वाफ रहे मुंह, एक्टिंग नहीं है भाई सच में, तेरे भी हो रहा है देख ले इधर, हाँ बहुत तेज हो रही है तेरी, समझ गई बहुत सही है उधर आके, देख जी येरा बहुत ठंड है भाई, पहले एडवेंचर करेंगे, चलो जिपलाइन वाला, ऐसे धरती अच्छी हो रही है, मजा आ रहा है, ये हम लोग पहले एडवेंचर करेंगे जिपलाइन वाला, पर मैं यहाँ पर माफ करना रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ से, मेरे पापा ले रिकॉर्डिंग, क्योंकि फोन तो मैं अभी इसमें लेना चाहता हूँ, 300 मीटर का कुछ फासला है यहाँ से जाके, उधर देख सकते तो बहुत ठंड है यार, माफ करना, चलो एडवेंचर करते हैं। यहाँ पर रेडी हो गए एडवेंचर करने के लिए, पूरा सेफ्टी वगैरह का डाल दिया है, यहाँ से पूरा जाओगा पूरा ऐसे करके वीडियो लेना, चलो ऊपर चलते हैं, चलो भैया ऊपर, मेरा फोन कौन लेकर आएगा, मैं वहाँ पे खड़े रहना, डर लग रहा है, डर के आगे जीत, अरे नीचे बाहर निकालो लॉक पे, ऊपर जय माजी सारी बोले, ये युवराज एडवेंचर कर रहा है, बाय बेटा, पहाड़ों में हम सब करेंगे, वाओ सुपर बेटा, जिपलाइन एक्टिविटी हमने कर लिया, ये रहे सब जिपलाइन, ये सब अभी आगे एक्टिविटीज के लिए, ये पूरा उधर से आया 300 मीटर तो सुन रहे पूरा है, अभी आगे एडवेंचर दिखाएंगे, आगे के जिपलाइन का ये, अभी आगे के एडवेंचर जा रहे हैं, ये है नेक्स्ट एडवेंचर, वो है नेट क्लाइंबिंग, नेट चल के जाना, ये है नेट क्लाइंबिंग, नाइट नेट क्लाइंबिंग करना है, हाँ उसमें गिर नहीं सकते, इधर से चलते हैं नेट क्लाइंबिंग की ओर, हेड डाउन रखो,
सब एडवेंचर से, क्लिफ क्लाइंबिंग, जिप लाइन और एक। तो गाइस अभी हम जा रहे उधर जिप लाइन और दूसरा क्लिफ क्लाइंबिंग जाते हैं। चलो दिखाते हैं आपको, पूरा ट्रैकिंग टाइप है आराम से जाएंगे। स्लो बेटा, कम ऑन भैया, यू कैन डू इट। ठंड लग रही है। पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए युवराज, ठंड बहुत है, कोई कोई बात नहीं। उधर आके खड़ती हो, पैर मेरा सिफस्ती है इधर, ये दिख रही है जैसे आगे जाती है, अभी तो और चल गई है। गुड गुड बेटा, गुड। गिर गया, पीछे देख पीछे, नहीं गिरता है ना रिदाना हो तेरे खाना मागो राग ना गना। नीचे पूरा पहाड़ है, देख सकते हो पहाड़ों में, पहाड़ों के अंदर ट्रैकिंग कर रहा है युवराज। तो मूड कॉफी जम कर गए, नहीं ठेट आगे, ये पूरे पहाड़ है, ये बता देंगे बेटा, ठहर चल, तो चलता जा चलता जा। चल मुसाफिर, चल मुसाफिर, जाना नहीं। बस जम कर ले, हाँ उधर से नहीं, ये बोल आगे, उससे आगे, चलो आगे थोड़ा, आगे थोड़ा थोड़ा, एक स्टेप और ले। यू वी अभी जम करना, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे थोड़ा आगे जाओ, आगे 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 घूम जाओ अभी, टर्न हो जा हमारे सामने, देख हां मुंह कर, घूम जाओ मुंह कर, ऐसे चेंज कर पांव, ये साइड में कर, हां यस पकड़ा हुआ है, यहां से यहां से, डर मत, पूरा भी आता है, रोप पे बांधा हुआ है, अरे ये हाथ से दूसरा हाथ वो पकड़, रस्सी, हां ये हाथ इधर, हां अरे वो हाथ से पकड़ा, हां इधर फ्रंट आ, घूम ऐसे पूरा, ऐसे घूम, यस गुड, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ, डर लग रहा है, अरे तू बैठ, रस्सी पकड़ो जो बांधी हुई है, रस्सी पकड़ ले अभी, यहाँ छोड़ के आ, अरे डर लगता है, नहीं लगेगा, सीधा करो पैर सीधे कर, अरे सीधे करो पैर, पैर स्ट्रेट कर, और टाइट, और टाइट, वेरी गुड, खोल दो इसको, बाय बाय कर, मारुल सब एक्टिविटीज खत्म, सब एक्टिविटीज हमने किया, वो बहुत रिस्की था, ये किया ये सब किया, वीडियो कम बना पाया क्योंकि एडवेंचर कर रहे थे, अभी आपको चाहते हैं एप्पल गार्डन और आपको रहे थे टूर उधर का, तो अभी सब एडवेंचर करके यहाँ पर लंच करने बैठे, तो मैंने लिए एक प्लेट मोमोज और एक प्लेट डोसा, लंच करके मिलते हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं, जाओ ना अक्षर भाई, दो ये है शूटिंग पॉइंट, यहाँ से पूरा दिखता है, जैसे सब दिखेगा, अरे ये टेलीस्कोप है, इससे पूरा दिखेगा, चलो देख के बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग पीक पॉइंट पे देख रहे थे, और यहाँ पर एक भैया मिले जो ये भी यूट्यूबर है, फिल्मी राइडर करके इनका चैनल है, सब्सक्राइब करना, ये यहाँ पर टेलीस्कोप में देख रहे हैं एक एक पॉइंट, इनकी पूजा होती थी टेम्पल, बाद में बनाया गया था साल बाद में नीचे टेम्पल, अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बाकी सात कैलाश हिमालय पे जहाँ भगवान तप करते हैं वहाँ लोग नहीं जाते, डेड ऑन बीड ऑक्सीजन एरिया, नो लाइफ ऑन लाइफ वाले, 18,000 से ऊपर जो है ऑक्सीजन आम आदमी के लिए नहीं है, बाकी कमांडो जाता है 20,000 तक भी जाता है। सी देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शूट करती है मेरे को, ये पूरा एक आजा अभी, बहुत सही है, यहाँ पर पूरा शूटिंग पॉइंट है, सब देखते हैं यहाँ से,
घोड़े से आए तो ज्यादा घोड़े से। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जब थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी वो महाराजा का टेंपल। महाराजा कहाँ के महाराजा थे? ये पटियाला पंजाब में करता ना जो उनका बैलेंस 362 रानियां और होटल। एक साल में जितने दिन होते उतने हर एक दिन शेड्यूल करते हैं। सुपर ये ऐसे फोटो इधर का माहौल देख सकते हैं। पूरा महल दिख रहा है जो राजा का है। हाँ यूट्यूब में भी दिखा हार्ट इधर से नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा यूट्यूबर थोड़ा बहुत दिखा होगा आपको, ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि टेलीस्कोप से हर आगे दिख सकती है और कुछ नहीं दिख सकता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग अभी है शीतला माता टेम्पल वो देख रहे हैं। हम लोग घोड़ा नहीं गाड़ी नहीं गोवा के रहा है। दो दिन लगता है, दो दिन लगता है। ओहो शिमला माता, अरे इला मत दिख रहा है शिमला माता टेम्पल। शीतला माता का, शीतला माता को हम भी पूछते हैं सर, वहाँ पे जाते नहीं है इतना ऐसे ही आदत भी कर ली शूट कर रहे हैं। लटक भी जाते लेकिन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दो दिन लगते हैं। अच्छा थेट वो टॉप पे है मोबाइल कर इधर देखना। ओम पर्वत, ओम पर्वत गाइस अभी ओम पर्वत देखेंगे। बहुत सही दिख रहा है लॉमेटर इधर का माहौल देखो गाइस बहुत सही है। बहुत बड़ा पहाड़ है, कुफरी बेस्ट है यार। बराबर ही फोकस करना आपने। बताना कैसा दिख रहा है? हां ओम के जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये बराबर है, थोड़ा क्लॉडी है इसलिए। हां नहीं तो ओम का जैसा है, ये पूरा बर्फ है। इसमें ट्राई करूं मैं? ये कहां का सीन है भैया? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कुल्लू करंट लगता है क्या? हाँ हाँ अरे ये तो क्या हो गया, फोकस चला गया वापस। बर्फ देख ये दिख रहा है, मेरे को देखना दिख रहा है इसको करना भैया। ओम पर्वत देखना है या फिर देखते ओम पर्वत बताइए कैसा दिख रहा है। पूरा बर्फ ही बर्फ। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। गाइस हर जगह से देखो एक ही चीज दिखती है बर्फ और कुछ नहीं दिख रहा गाइस। अलग अलग टेलीस्कोप से, इतने सारे टेलीस्कोप से देखे बस हमको एक बर्फ का पार्ट दिखा है बस गाइस। दिखा आपको समझ ले भैया? अरे बर्फ बर्फ वही तो देखना बर्फ बर्फ वो। अरे टेलीस्कोप से देखो सिर्फ बर्फ दिखता है। थोड़ा दिख रहा है ये राइट सिंगल माउंटेन नहीं, फोर माउंटेन रेंज। आप ट्राई करते हो दोस्तों आपको दिखाने का। देखो थोड़ा बहुत दिखा होगा आपको, थोड़ा आपको दिखा होगा। हेलो देखो दोस्तों पकड़ मैं देखता हूँ। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर पूरा बर्फ की। वाओ गाइस सुपर का मौसम देखो, क्लाउडी क्लाउडी है। हमारे वीडियो में लर्न वीडियो लर्न बहुत सही है, हमारे लर्न वीडियो में कैसे बॉर्डर कैसे पता करना? ये जो पहाड़ है ना सर पैरेलल चलता है, जैसे जमीन में दिख रहा है एक ही पहाड़ है लेकिन ये अलग अलग लेयर होता है बीच में, जो बहुत गैप है। अच्छा जैसे इस पहाड़ में इसमें उधर हमारी आर्मी होगी नहीं बीच में नीचे खाई में है हमारी आर्मी,
गांव रहता हूँ बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे इंडिया कौन सा है और चाइना कौन सा, वो कैसे पता है? वही तो देखना है, ब्लैक चाइना का अंदर है, व्हाइट इंडिया ऐसा है। इसमें बीच में 15 किलोमीटर का यहाँ पर एक यूट्यूबर भैया हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑन द पीक वन टेंपल शीतला माता टेंपल 95 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर का ट्रैकिंग टू दिस अप एंड डाउन। कैमरा में से दिख रहे हो उधर पीक नेम इज शिमला, शिमला पीक नेम टू शिमला सिटी, आप लोगों को सुना दे रहे हो शीतला माता जी, अदरवाइज शिमला कॉल्ड दी इन पहाड़ों के बीच में दर्रा, इसके नीचे अटल टनल बना भी है तो बंद है ये, बंद है बोलता नेक्स्ट ईयर खुलेगा ये अटल, अभी चालू नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहना है हिमाचली कपड़े फोटो सेशन के लिए, फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पर मेरी मम्मी रेडी हो रही है, इनल और मेरे पापा रेडी हो गए, इन्हें कैसी दिख रही है कमेंट करके बताना। पूरा हिमाचली का पहना है, हिमाचल कपड़े कैसा दिख रहा बताना। बिरजू भाई कहाँ गए, फोटो खिंचवाते हैं क्या से? चलो अभी फोटो खिंचवाते हैं फिर आपको मिलते हैं। ऐसे तो ये कपड़े ऐसे दिख रहे हैं, हिमाचली कल्चर का पूरा पहना है हिमाचल। चलो अभी आपको फोटो खींच के मिलता हूँ। तो दोस्तों आफ्टर डूइंग सम एडवेंचर हम आ चुके हैं ग्रीन वैली, ऑन दी वे पड़ता है तो हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क ले, क्योंकि आगे पार्किंग की समस्या है। यहाँ से हम लोग जाते हैं आगे बस रोड यार जाके बहुत है दोस्तों, नोज पेन है मेरे को, एक गाड़ी आ रही है उसके लिए रुक जाता है थोड़ा, बहुत लंबे लंबे पेड़। आपको दिखाता हूँ ग्रीन वैली, तो यहाँ पर पानी पूरी वाले हैं। कितना एक प्लेट भैया? 30 का प्लेट, 6 पीस। 30 का प्लेट 6 पीस, ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी और सामने ग्रीन वैली, भाई व्यू देखो बहुत सही है। चलो ये खाते हैं, तब तक मैं आपको, यहाँ पर मैगी बन रही है। कितने एक प्लेट मैगी? 50। प्राइस अच्छे बढ़ा के रखे यार। यहाँ पर एक से एक टेलीस्कोप भी है, आपको दिखाता हूँ ग्रीन वैली फोन। ओ माय गॉड क्या चीज है, क्या चीज है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ऐसा दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है, बहुत सही। ये है अपना ग्रीन वैली, क्या ही दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको कैमरे में बता नहीं सकता, ये इतना बड़ा है दोस्तों, क्या शानदार जगह है, क्या जगह है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता सच में। ग्रीन वैली, ग्रीन वैली करके ये जगह का नाम है, बहुत सही है। मतलब ऐसे हम कुफरी जाते हैं उसके एकदम इधर ही है, बहुत सही जगह है, बहुत बहुत सही जगह है, क्या दिख रहा है ग्रीन वैली। तो अभी थोड़ा यहाँ पर एंजॉय करेंगे, थोड़ा फोटो खिंचाएंगे, तो आपको मिलता हूँ शिमला मॉल रोड, अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको मिलता हूँ शिमला मॉल रोड के लिए, तब तक के लिए बाय। तो अभी हम लोग हैं मॉल रोड जा रहे हैं और यहाँ से लिफ्ट में जाना पड़ता है, तो अभी हम चलते हैं मॉल रोड की तरफ, बढ़ रहे हैं। लिफ्ट में जाना पड़ता है इसके लिए हम लिफ्ट में जा रहे हैं। यहाँ से लिफ्ट में जाना पड़ता है, चार चार लिफ्ट में कितने ओवर, पूरा मॉल रोड लेके जा रहे हैं, हम जाके दिखाते हैं।
हम लोग जा रहे हैं उसके अंदर। कौन सा फ्लोर आता है मॉल रोड? यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉल रोड का सब जाएगा मॉल रोड। चलो पूरा फॉरेन टाइप बना हुआ है, बहुत सही है। देखो ये आया मॉल रोड, हम आ चुके हैं मॉल रोड। किधर से जाना है पहले? उधर इधर से चलते हैं। चलो चर्च किधर है? चर्च किधर है? चर्च इधर इधर हो, इधर हो, इधर 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 से। ये मॉल रोड है, यहाँ पर हम जा रहे हैं। ठंड बहुत है वैसे। चलो चलते हैं। मॉल रोड एक से एक फेमस शॉप है, बहुत फेमस शॉप्स है। ऊपर चर्च है, वो भी जाके आपको दिखाएगी। अभी क्राउड हैवी है। अभी हम लोग आ गए हैं मॉल रोड के एकदम टॉप पॉइंट पे। यहाँ पर भारत का झंडा और यहाँ पर वो चर्च फेमस। अभी पास से जाके आपको दिखाते हैं। ये वो भारत का झंडा है, उसके एकदम ठीक सामने है ये चर्च जो सबसे फेमस है और बहुत सही जगह है दोस्तों। ठंड वैसे बहुत हो रही है, बहुत अच्छा चर्च है ये। ये वो फेमस मॉल रोड का चर्च, अभी पास जाके बता देंगे। अभी है एकदम पास में उस फेमस चर्च के, जो आपने देखा ही होगा। ये है वो फेमस चर्च मॉल रोड का फेमस चर्च, और यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार। इवनिंग के समय स्पेशली बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। और ये वो फेमस चर्च, ये मॉल रोड पूरा यही है। ये नीचे का पूरा शॉप्स है और ऊपर ऐसे घूमने के लिए। बहुत ठंड है दोस्तों। ये वो फेमस स्ट्रीट जो आपने कई बार देखा होगा, बहुत सही है। रात के समय स्पेशली मॉल रोड घूमने लायक है क्योंकि ठंड होता है। तो मैं वो आप फादर का आप फादर। अभी मॉल रोड से जस्ट बाहर निकले, ऊपर मॉल रोड है जब से गए थे। और ये है पूरा, और ये है पार्किंग। ये है पूरा ऊपर का जो मॉल रोड है। सो गाइस गाइस, मेरा जैकेट गुम हो गया, मुझे इतनी ठंड लग रही है अभी कान। तो मैं आज का व्लॉग यही समाप्त करता हूं क्योंकि अभी चार्ज नहीं और एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। मिलते हैं कि आपसे जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं डिनर करके सो जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।